দিল্লি বিমানবন্দরে সংবর্ধনা। দেশে ফিরলেন জ্যাফরিনা সোনাজয়ী, নীরাজ চোপড়া, রূপজয়ী রবি দহিয়া, ব্রোঞ্জয়ী লাভলিনা, বজরং পুনিয়া, ভারতীয় হকি দল। দিল্লি বিমানবন্দরে ঢাকঢোল বাজিয়ে তাদের সংবর্ধনা জানানো হয়। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कॉम्पिटिशन बहुत जबरदस्त था वहां पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। वहां पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश हैं हम लोगों ने मेडल लिया, और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है, और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। स्टार्टिंग हमारी होती है ना तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी और उसमें मतलब बहुत मतलब मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो मतलब देखा अपने सामने, मतलब बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने, तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मतलब देखो कितना सम्मान मिलेगा, इनको देख देख के मैं आगे बढ़िया। আসি পরের খবরে। ইস্ট বেঙ্গলের চুক্তি জট অব্যাহত, কোর কমিটির বৈঠকে চুক্তিপক্ষের সায়ে 11 জন প্রাক্তনীর, ক্লাবকে চিঠি দিয়ে জানালেন প্রাক্তনীরা। চুক্তি নিয়ে মতভেদ এখনো রয়েছে দাবি ক্লাব কর্তৃপক্ষের, আলোচনায় জট কাটবে বলে আশাবাদী। আমরা ফুটবলের স্বার্থে এখানে এসেছি সবাই, যারা প্লেয়াররা আছে, যারা আরো যারা 75 প্লেয়ার এসেছিল, যারা এক্স প্লেয়াররা, আমরা চাই সবাই, সবাই চাই খেলায় ফিরে আসুক ইস্ট বেঙ্গল, তার জন্য এসেছিলাম। যত তাড়াতাড়ি পারুক আমরা চিঠি দিয়েছি, যত তাড়াতাড়ি পারুক এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেলে, যত তাড়াতাড়ি সাইন হয়ে গেলে, এতে আমার সবার ভালো, ক্লাবের ভালো, সমর্থকদের ভালো, যেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বসে আছে সাপোর্টাররা। এবার ক্লাবের ডিসিশন, ক্লাব কীভাবে এগোবে এটা আমরা একটা মিটিং করে আমরা যে ডিসিশনটা নিয়েছি সেটা আমরা ক্লাবকে জানালাম। এইবার নেক্সট স্টেপিং হচ্ছে ক্লাব এবার ডিসিশনটা নেবে কী করবে না করবে।